हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और भाई आज का ब्लॉग जो है ना, मतलब ब्लॉग क्या, आज का वीडियो रहेगा प्रैंक वीडियो पे। तो आज किट्टू के साथ प्रैंक करना है। हुआ ऐसा कि सुबह मैं किट्टू को छोड़ने गया स्कूल, तो वहाँ से मैं उसको छोड़ के आ गया था। थोड़ी देर बाद उनके स्कूल से, मतलब एक डेढ़ दो घंटे बाद स्कूल से उसके फ़ोन आया कि क्या काजल नहीं आई है। मम्मी काम वगैरह कर रही थी तो मम्मी बोली काजल नहीं आई। मम्मी ने पूछा कि गई है, हमने सुबह भेजा उसको, भैया छोड़ के आया उसका। तो भाई फिर उनके टीचर ने चेक किया जाके क्लास में। मतलब पहले तो मेरे को स्कूल का ये रूटीन समझ में नहीं, सुबह से बच्चे आया हुआ है, कोचिंग पढ़ी, ठीक है, उसके बाद क्लास में भी है, क्लास के दो तीन पीरियड चल भी चुके होंगे, उसके बाद कॉल करके पूछ रहे। तो भाई देखा गया तो बताया, फिर उन्होंने बोला कि एक मिनट देख के बताते हैं। फिर उन्होंने देख के, मतलब कॉल पहले कर दी, देखा बाद में क्लास में, ठीक है। तो फिर उन्होंने कॉल की, तो फिर बताया उन्होंने कि हाँ आई हुई है। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ किट्टू को लेने के लिए, और फिर उसके साथ उसको लेके आते हैं घर पे। उससे अचानक यही चीज़ कहेंगे कि जब मैं सुबह स्कूल छोड़ के आया तो कहाँ गई थी। तो ये देखते हैं उसका क्या रिएक्शन रहता है। मतलब उसके लिए तो ये प्रैंक ही हो गया कि ये ऐसा क्या हो गया, क्योंकि उसे तो पता नहीं है। तो इस वजह से उससे पूछते हैं और देखते हैं क्या रिएक्शन है उसका। तो पहले जाते हैं, अभी उसको लेके आते हैं फटाफट। तो भाई किट्टू आ चुकी है और अभी जा रहा हूँ उसके बोलने के लिए, बट मम्मी ने मेरा अगर शायद पहले ही बोल दिया, और उसको भी पता है कि स्कूल से कॉल आई थी। तो भाई देखते हैं क्या हो रहा है, चलते हैं फटाफट फटाफट करते हैं इसको ये काम। स्कूल से फोन आओ तो तुम्हें डेली स्कूल छोड़ के आ रहे हैं और तुम स्कूल से गायब। नहीं मतलब आज की बात हुई तो एक बात हुई, वो कह रहे चार पांच दिन से काजल स्कूल नहीं आ रही है। क्या मतलब है इसका? हाँ चार पाँच दिन उन्होंने सीधा बोला। कॉल देखो एक नंबर से नहीं, दो नंबर ऑफ कॉल आई है। नहीं तो तुम्हारे स्कूल में प्रियंटी 10 बजे लगाते है, 10 बजे प्रियंटी लग रही, 10:30 पे कॉल कर रहे हैं मेरे पास 9:30 पे की काजल नहीं आई है। उसके बाद दोबारा कॉल तो आई नहीं, दोबारा कॉल आई पहले दो नंबरों पहले कॉल आई। हाँ दोबारा कॉल आई और ये जाकान के लिए, हाँ वो स्कूल में है, टेंशन ना लीजिएगा, जाके लाई हमें ना बता दो कि क्लास में सर आए तो उन्होंने प्रेजेंटी नहीं बोली। हमने सर बोली थी, सर ने नहीं लगे नहीं, चार पाँच दिन एक दिन की आज प्रेजेंटी लगी, चार पाँच दिन से नहीं, तो चार पाँच दिन से प्रेजेंटी नहीं लगी तुम्हारी, चार पाँच दिन से गायब। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, स्कूल में भी आती हो तुम? हम झूठ बोले, टीचर का झूठ बोले, तुम्हें डेली सुबह छोड़ के आ रहे, पापा छोड़ के आ रहे, हम छोड़ के आ रहे, तुम्हारी हमका मना कर रहे, भेजती हो डेली डेली, मैडम हमसे कहती है काजल जाओ पापा आ गए, डेली डेली मैडम जी हमें खुद बुलाती है काजल नहीं फिर नहीं फिर डेली फिर ये फिर स्कूल से कॉल क्यों आ रही है? या तुम्हें पापा डेली छोड़ने आ रहे स्कूल के टाइम पे, तुम मिल रही हो तो उनसे पूछ लो, तो तुम्हारी प्रियंटी क्यों नहीं लग रही है? हम स्कूल आते ही ना तो लगती कहाँ से, हम घूमन चले गए थे, हम बनवारी नगर की जो बजरिया मोहल्ला में खड़े थे, तो प्रेजेंटी कहाँ से लगती? तो तुम वहाँ क्या कर रही थी? घूमन गए थे, बताए तो रही है, समोसा खा रही थी, समोसा होने लगते ही नहीं। तमीज से स्कूल जाओ, समझी? हम तमीज से गए ही ना, हम तो घूमे हैं चारों ओर, चारों ओर घूमे हैं, तो मैं कहाँ जा रहा हूँ? ट्वेल्थ का कोई मतलब ही नहीं है। नहीं है कोई मतलब नहीं है, आप ये बड़ी मैम की भाषा में बात ना कीजिए हमसे, और दोबारा शिकायत नहीं आनी चाहिए स्कूल से। दोबारा नहीं, डेली आएगी, कल स्कूल में बात करें, कोई बात नहीं, आप अभी चले जाइए, हमें उससे चिंता नहीं है, अभी स्कूल खुला हुआ है, कोई बात नहीं, कल नहीं, आप अभी चले जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल से गायब रहेंगे। भाई एक बार इसके फेस का रिएक्शन देख लो, क्या कंडीशन हो रही फेस की, मतलब ये लग रहा है कि इसने सच में ऐसा किया है। ये कंडीशन इसके फेस की, जो फेस मतलब दिखाने थोड़ा बहुत देर और बोलते थे रोना स्टार्ट कर देती, ऐसी फेस की कंडीशन इसने बना ली थी। बाकी तुम्हें हर ब्लॉग में देखा होगा इसका फेस कैसा रहता है और आज का फेस देखो कैसा हो रहा है। भाई पहली बार ऐसा वीडियो बनाया है, अगर अच्छा लगे तो सभी लोग वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, लाइक करना, और भाई अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो ऐसे वीडियो और बनाएंगे। बाकी किट्टू को पता भी नहीं चला कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कोई चीज़ इसको खबर नहीं हुई, लेकिन भाई आया मजा इसका फेस का रिएक्शन देख के। बाकी भाई अगर आप लोगों को अच्छा लगता है और कमेंट करके बताइएगा, अगर अच्छा लगता हो आगे ऐसे वीडियो में और बना के आप लोगों को दिखाऊँगा।
तो भाई इस वीडियो को केवल इतना ही रखेंगे और एक फिर मिलेंगे एक नए प्रैंक वीडियो के साथ और ब्लॉग के साथ में। तो सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा और अभी के लिए बाय।